फिर से एक और अपडेट यहाँ पर एप्पल ने लॉन्च किया है, जो कि इसी का अपडेट है iOS 18.1 का। और इसके अंदर कुछ नया है, क्या नया इसके अंदर आने वाला है, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इसके अंदर चेंजेस आएंगे इस अपडेट के अंदर, या फिर ये ऐसे ही नॉर्मली अपडेट है। तो चलिए बताते हैं, सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर जर्नल में। जर्नल में जाने के बाद आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, इस पर क्लिक करना। देन जैसे उस पर क्लिक करोगे ना, अब आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक अपडेट फिर से आ चुका है, जो यहाँ पर iOS 18.1 है और जिसका साइज़ 1.12 GB है, ठीक है। अब यहाँ पर इस अपडेट में क्या क्या नया मिलने वाला है, जो कि सब कुछ यहाँ पर इसी अपडेट में यहाँ पर मेंशन कर देगा, आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो उसको। जिस पे इंग्लिश नहीं आती उसे कैलकुलेट करके यहाँ पर पता कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखा क्या है। दिस अपडेट इंडस्ट्री द फर्स्ट सेट ऑफ फीचर प्रोवाइड बाय एप्पल इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंट के सारे फीचर आने वाले हैं, ठीक है। द पर्सनल एप्पल इंटेलिजेंट सिस्टम एंड अनलॉक पावरफुल न्यू वेज, ठीक है। मतलब यहाँ पर पर्सनली एप्पल इंटेलिजेंट यहाँ पर वर्क करने वाला है, जिसमें आप लोगों को अलग अलग तरीके के जो सिस्टम टेक्नोलॉजी पावरफुल न्यू एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे, या फिर एप्पल इंटेलिजेंट में जो यहाँ पर खास आने वाला था, जो कि अभी तक किसी को भी नहीं पता है, वो यहाँ पर मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप लोगों को नेटवर्क कनेक्टिविटी में मिलने वाली है। मतलब गाइस आप लोगों को बता दूं कि आईफोन को जब भी हम यूज़ कर रहे थे ना, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि बार बार लाइट पे जा रहा था ये, जबकि 5G फ़ोन है तो ऐसे लाइट पे नहीं जाना चाहिए। तो वो आप लोग यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली है। उसके बाद आप लोग AI के जो कुछ फीचर्स हैं, जैसे इमोजी और AI से बहुत सारी चीज़ें आप लोग बना सकते हो, जैसे कि कोई भी इमेज को आप लोगों को यहाँ पर कैप्चर में लिखना है, AI आपको बना के देगा, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पर चेंज होने वाला है, कुछ नया उसमें ऐड होगा कैमरे के अंदर। और कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों को पता ही है, ये भी बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि अभी तक ये अपडेट पर्सनली ना सभी डिवाइस के लिए बना है। इस अपडेट से ना जो जिसमें एप्पल इंटेलिजेंट वर्क करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन जो छोटे डिवाइस है ना उसके लिए अपडेट इसलिए बना है ताकि उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग चल जाए और छोटे मोटे जो फीचर्स हैं वो भी आ जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से अपडेट कर लो, और जिसमें जो भी इसके अंदर बंक्स लाइक नेटवर्क से रिलेटेड या कोई भी बंक्स इसमें आ रहा था, जैसा कि क्लीनिंग टूल में थोड़ा सा बंक आ रहा है, थोड़ा बहुत वो लोग छोड़ देते हैं, मतलब वो भी क्लियर हो सकता है इसमें। तो जो भी होगा इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि वीडियो को बना रहा हूँ, अपडेट करने के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं बहुत जल्दी डाल रहा हूँ।